जय श्री कृष्ण। बहुत समय पूर्व चंद्रव्रत नामक एक प्रतापी राजा था, जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने नगर के समीप एक तालाब खुदवाया था, परंतु उसमें जल नहीं रहता था। कितना भी जल भरा जाए, तुरंत ही सूख जाता था। जलहीन तालाब को देखकर नगरवासी राजा को कोसते थे। राजा सदैव दुखी रहते और कहते थे कि मेरा धन और धर्म दोनों नष्ट हो गया। एक दिन स्वप्न में वरुण देव ने राजा से कहा कि हे राजा, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब जल से भर जाएगा। प्रातःकाल राजा ने स्वप्न की बात दरबार में बताई और कहा कि मैं अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब में पानी रहे चाहे ना रहे। राजा की बात सुनकर राजकुमार बोला, मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का सुयश बढ़ेगा तथा जनता को सुख मिलेगा। यह कहकर राजकुमार स्वयं तालाब की तलहटी में जाकर बैठ गया और उसके प्रभाव से तालाब तत्काल जल से भर गया। उसमें कमल के पुष्प खिल गए तथा सभी जल जंतु बोलने लगे। राजा ने यह समाचार सुना और दुखी होकर वन को चला गया। वन में 5 स्त्रियां हल षष्ठी माता की पूजा कर रही थी। राजा द्वारा व्रत विधि पूछने पर स्त्रियों ने माता की महिमा का वर्णन कर दिया, जिसको सुनकर राजा वापस लौट आए और अपनी रानी से कहा कि तुम भी हल षष्ठी माता का व्रत तथा पूजन करो। राजा की बात सुनकर रानी उसी दिन से व्रत रखकर पूजा करने लगी, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजकुमार तालाब से बाहर आकर खेलने लगा। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और राजकुमार को महल में ले आए। तभी से रानी प्रतिवर्ष हर षष्ठी माता का व्रत करने लगी। बोलो हर षष्ठी माता की जय।